गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 15th मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैं सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन, ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो ये देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन आपका महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था इन 1817, या 15th मई 1817 को उनका जन्म हुआ था। एंड ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर थे और इन्होंने ही राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलके ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन की थी। ब्रह्मो समाज ये आपका 1828 में फाउंड हुआ था एंड इसमें ही आपका ब्राह्मणिज्म को अपोज किया गया था, जैसे कि आपकी सती प्रथा हो गई एंड अदर कास्ट ऑपरेशंस। एंड ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और इन्होंने ही शांति निकेतन की नींव रखी थी इन 1863। बाद में जाके 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्कूल बनाया था और अब उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। एंड आज ही के दिन आपका सुखदेव थापर का जन्म हुआ था इन 1907। तो सुखदेव थापर ये वन ऑफ द 3 रिवॉल्यूशनरीज थे, आपको पता है भगत सिंह एंड राजगुरु के साथ इनको भी फांसी हुई थी। किसमें? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जॉन सैंडर्स की हत्या के ऊपर इन लोगों पर केस चलाया गया था और 24th मार्च की जगह 23rd मार्च को ही फांसी दे दी गई थी। इसी दिन इसलिए हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। एंड आज ही के दिन आपके जनरल के एम करियप्पा का निधन हुआ था इन 1993 एंड ही वॉज वन ऑफ द 2 ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी जिन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया है। फील्ड मार्शल ये आपका हाईएस्ट ऑनर है आर्मी में। एंड जनरल के एम करियप्पा को एंड आपका सैम मानिक शॉ को ये दर्जा प्राप्त है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो सही जवाब होगा वी विद्यावति। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आपकी पुरानी साइट्स होती हैं, हिस्टोरिकल साइट्स, उनके प्रिजर्वेशन पे और एक्सप्लोरेशन पे काम करता है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1861 में एंड इसके फाउंडर थे आपके अलेक्जेंडर कनिंगम। एंड वी विद्यावति ये आपकी 1990 बैच की कर्नाटका कैडर की आईएएस ऑफिसर हैं। एंड कल ही मैंने आपको बताया मनोज आहूजा ये आपके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, किसके? सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के। एंड संगीता रेड्डी ये आपकी फिक्की की चेयरपर्सन अपॉइंट हुई थी। एंड अनामिका रॉय राष्ट्रवर ये आपकी इफको जनरल इंश्योरेंस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स अलॉन्ग विद यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड बाई 2022? तो सही जवाब होगा हरियाणा। एक्चुअली आपका बजट आपने देखा हो तो उसमें हर घर नल से जल मिशन का जिक्र किया गया था जिसका टारगेट है 2024। उसी के चलते ही हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट में लागू किया है। हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर हैं आपके सत्येंद्र नारायण आर्य जी एंड चीफ जस्टिस हैं आपके रवि शंकर झा जी। पंजाब एंड हरियाणा स्टेट का एक ही हाईकोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। एंड एक और आपके चीफ जस्टिस हैं रवि नाम से ही, वो हैं आपके रवि रंजन, ये आपके झारखंड के चीफ जस्टिस हैं। एंड अभी एक नई अपॉइंटमेंट भी हुई है रवि नाम की, रवि मित्तल जी की। तो ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं इंडिया में। एंड हरियाणा के ही फिरोजाबाद में आपका फर्स्ट वर्चुअल कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। एंड हरियाणा की ही पुलिस ने आपका ट्रैकिया एप्लीकेशन कम सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कराया है। ये आपका जो फॉरेंसिक सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं उनको बार कोड में कन्वर्ट करके स्टोर करता है जिससे मैन हैंडल ना हो, और माना जाता है कि वहाँ के एक प्रिजनर ने ही इसे डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो सही जवाब होगा 74th। जी हाँ, आपकी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आ रही है जो ये देखती है कि किस तरह से आपकी एनर्जी डिफरेंट फील्ड्स में यूज करी जा रही है, लाइक एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, और फिर वो हेल्प भी करती हैं कि आपको पॉलिसी डिसीजन लेने में। एंड उसी में इंडिया की रैंक आई है आपकी 74th। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें ही आपका टोटल 115 इकोनॉमीज ने पार्ट लिया था एंड फर्स्ट पे आपका स्वीडन रहा है। एंड 148 अभी 21 मार्च को हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे गया था, तो उस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई थी, ये जारी करी थी आपकी
यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने, और इसी में इंडिया की रैंक थी 148th, और फर्स्ट पर था इसमें फिनलैंड, एंड अभी 146th। अभी आपकी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई थी, आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है किस दिन, 3rd of May को, तो उसी दिन ये रिपोर्ट आई थी जो किसने पब्लिश करी थी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, और इंडिया की रैंक उसमें 146 थी। उसमें टॉप पर था आपका नॉर्वे और लास्ट में था आपका नॉर्थ कोरिया, एंड 63rd ये आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, ये आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड टू सैटेलाइट्स, जिंगयुन 2, 01 एंड 02। तो सही जवाब होगा चाइना। तो चाइना की ये सैटेलाइट हैं एंड दे आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, मतलब ये टेस्ट करेंगी जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसकी परफॉर्मेंस को, एंड चाइना ने ही अभी अपना मार्स मिशन का नाम अभी रिलीज करा था, 3RL-1, एंड चाइना ही आपका चेंगेज 5 मून मिशन प्लान कर रहा है 2020 में, एंड उसका नाम है चेंगेज 5। और अभी मैंने आपको बताया भी था लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट पे मिशन जाएगा, और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का ही अभी सफल प्रशिक्षण कुछ दिन पहले ही चाइना ने करा है। साउथ अफ्रीका की अभी सैटेलाइट थी मीर कैट सैटेलाइट, तो ये जो आपकी फार अवे गैलेक्सीज होती है ना, उसमें ही कुछ गैलेक्सीज एक्स गैलेक्सीज के नाम से जानी जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो एक्स शेप्ड रेडियो वेव प्रोड्यूस करती हैं। तो मीर कैट ने उनकी हाई रेजोल्यूशन इमेज ली है और पता लगाया कि वो डबल बूमरैंग शेप की होती हैं। ईरान ने अभी नूर सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसकी मिलिट्री सैटेलाइट थी, इन 425 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार जाता है, हाउ मच अमाउंट कोलेटरल फ्री लोन्स हैज बीन सैंक्शनड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टू बिजनेस स्पेशली MSMEs। तो सही जवाब होगा 3 लाख करोड़, और इन्हीं का ही मॉरेटोरियम पीरियड है 12 मंथ्स। मॉरेटोरियम पीरियड ये आपका वो पीरियड होता है जिसमें आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती, और इसी के बाद आप पहली इंस्टॉलमेंट देना शुरू करते हैं। और अभी MSME के ही आपके नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, कौन, अरविंद कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन एमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम लोन टू इंडिया। तो सही जवाब होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, यही आपका ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया हुआ बैंक है, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, शंघाई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार जाता है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व। तो सही जवाब होगा 15th of May। जी हाँ, यही दिन आपका 1993 से यूनाइटेड नेशंस मना रहा है टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू फैमिलीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ गुजरात हैज मेड डिजिटल पेमेंट्स मैंडेटरी फॉर ऑल होम डिलीवरी सर्विसेज। तो सही जवाब होगा अहमदाबाद, एंड RBI ने अभी एक डिजिटल कैंपेन भी चलाया है ट्विटर पे, और उसके ही आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। एंड गांधीनगर अभी न्यूज़ में था क्योंकि ये फर्स्ट केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है गुजरात का। एंड वडोदरा में आपकी फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी है इंडिया की। एंड सूरत में ही आपका इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेटेड है केमिकल इंजीनियरिंग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, इन विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इज समर्थ एंड ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बीइंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो सही जवाब होगा NIT कुरुक्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड आई फील यू ब्रेसलेट टू मॉनिटर सोशल डिस्टेंसिंग। तो सही जवाब होगा इटली। यहाँ इटली गवर्नमेंट ने ही ब्रेसलेट बनाया है, एंड इसमें आपका रेडियो वेव्स का यूज किया गया है और इसमें आपका GPS यूज नहीं किया गया, सो टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सी। जब भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे तो ये आपको एक रिमाइंडर दे करेगा। वक्त चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो सही जवाब था मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश ने ही पहली स्टेट बन गई है जिसने FIR आपके द्वार फैसिलिटी स्टार्ट करी है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शन अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो अभी 2 दिन पहले न्यूज में भी था। तो इफ यू नो द आंसर, काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। सो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, व्हेनेवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, काइंडली रिवाइज इट, बिकॉज इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल वे फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो दिस वॉज ऑल, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर 15th of May। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।